भाई आपकी जिम्मेदारी है रियासत की एक एक शख्स को जान माल इज्जत आबरू चादर चार दीवारी का तहफ्फुज़ फराहम करना। कैसे कोई आता है एक मोबाइल छीनता है हमारे जवान बच्चे को, गोली मार के चला जाता है, मर जाता है जवान, अब कैसे घर बनेगा? अभी तो पानी नहीं पास जो है ना, दहशत गर्दों को पाल रहा है, जो डकैतियां कर रहे हैं उनको पाल रहा है। कौन? मुझे तो नहीं मालूम, मैंने तो नहीं देखा आज तक। जो चोर होगा वो किसी चौक पे लगे दस्तरखान पे आके खाना खाएगा क्या? मैं आपको एक आप बोलता मुझे जान की धमकी दी जा रही है, आपको कोई क्यों देगा? आप यादें रहने में थोड़ी है यार। मैं आपको समझाता हूँ जफर भाई, एक चीज होती है, हमारे यहाँ लोग ट्रेन के ऊपर काम करते हैं, आज डेढ़ से दो महीने होने को आ रहे हैं, आपकी ड्राइव खत्म नहीं हो रही। मैं कैसे खत्म कर दूं? आप मुझे बताओ, लोग सड़कों के ऊपर हैं, लोग बाईपास पे बैठे हुए हैं, लोग आज 45 दिन हो गए अपने घर, तो दूर की बात है, जो कपड़ा पहन के पानी में थे हफ्तों, आज वही कपड़ा उनके जिस्म पे अब तक वही है। उस मुसीबत में सड़क पे पड़े, मैं उनकी खाने की ड्राइव रोक दूं, टीवी पे बैठ के बोलूं लाएं 6 लाख रुपए दें, घर बनेगा 6 लाख में और 12 लाख में, अब कैसे घर बनेगा? अभी तो पानी नहीं पास जो है ना, दहशत गर्दों को पाल रहा है, जो डकैतियां कर रहे हैं उनको पाल रहा है। कौन? मुझे तो नहीं मालूम, मैंने तो नहीं देखा आज तक के कोई शख्स चोरी करके आया हो और मोबाइल उस किसी का छीन कर बाइक खड़ी करके आए खाना खा ले, या सुबह से बैठ के खाना खाते रहे और सोचते रहे कल मैं चोरी। अबे भाई, चोर की वीडियोस हैं, चोर जो मोबाइल छीन रहे हैं उनकी गली गली में जो कैमरे लगे उसमें वीडियोस हैं, पकड़े जा रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, वो कुछ जो चोर होगा वो किसी चौक पे लगे दस्तरखान पे आके खाना खाएगा क्या? वो पहले ही लाखों रुपए की डकैती मार रहा है, किसी घर से सोना लूट रहा है, कहीं चांदी लूट रहा है, किसी को गोली मार रहा है, कातिल भी है वो कत्ल कर रहा है कराची के लोगों को, तो उसके बाद वो रोड पे लगे दस्तरखान पे। बात ये है, हमारे यहाँ लोग सादे हैं, अब जिनका पेट भरा हुआ है, जिनके पास खाना है, उनको कोई एक लाइन दे देता है, उस लाइन पे लग जाते हैं। आइए, मुश्किल नहीं है ना, मुश्किल नहीं है, आप आइए, कुछ नहीं करें, खड़े हो किसी एक दस्तरखान पे, देख लें कि भाई जो लोग वहां आ रहे हैं वो भूखे हैं, वो परेशान हाल है। मेरे बस में ये चीज नहीं है जो मुझसे मुतालबा हो रहा है कि जफर अब्बास तुम जो हो खाना देने से पहले उसकी जबान पूछो, मेरे बस में नहीं है। जो मुझसे मुतालबा कर रहे हैं लोग सोशल मीडिया पे, कुछ लोग या किसी एक माइंड सेट के, कि जफर फला जबान बोलने वाले को खाना क्यों दे रहे हो, मैं मेरे बस में नहीं है, मैं किसी से कैसे पूछ लूं? मेरे मजहब ने मुझे नहीं बोला, मैं सामाजिक तौर पे इस बात को अच्छा नहीं समझता, मैं अखलाकी तौर को नहीं समझता कि मुझसे एक बच्चा आगे बोले खाना दे तो बोलूं बेटा, बेटा आपको उर्दू आती है, आपको फला जबान आती है, या आपका मसलक ये है, या आपका मजहब ये? नहीं, यही तो हम में फर्क है भाई, हम ये नहीं पूछ सकते भाई। मेरे अब जितने जेडीसी के जिन्ना अस्पताल के बाहर जो मोबाइल रेस्टोरेंट है, अब्बासी के बाहर जो तंदूर लगे हुए किचन बने हुए, या जो इंडस के बाहर ट्रक है, या जो बैतुल सुकून कैंसर के अस्पताल के, मैं वहां से खाना बंद कर दूंगा तो ये मरीजों के अटेंडेंट कहां जाएंगे खाना खाने? आप अगर ये कहना चाह रहे हो कि मरीजों के अटेंडेंट जो है वो मरीज को एडमिट करा के यहां से खाना खा के चोरी करने निकल जाते हैं, यार क्या है यार? आप ये मुतालबा कीजिए कि भाई आपकी जिम्मेदारी है रियासत की एक एक शख्स को जान माल इज्जत आबरू चादर चार दीवारी का तहफ्फुज़ फराहम करना। कैसे कोई आता है एक मोबाइल छीनता है हमारे जवान बच्चे को, गोली मार के चला जाता है, मर जाता है जवान? हमारे लोगों को चाहिए भाई, जो जिम्मेदार है फिर खड़े हो स्टैंड ले। आप कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप घबराते क्यों? आपके बच्चों को चिपका चिपका के मारा जा रहा था एक जगह, आप नहीं खड़े हो रहे थे? मैं खड़ा हुआ, मैंने जाके 27 FIR कटवाई, आज आपके 6.5 लाख बोलने बढ़ते हुई कि नहीं हुई? मैं आपको एक बोलता मुझे जान की धमकी दी जा रही है, आपको कोई क्यों देगा? आप यादें रहने में थोड़ी है यार। मैं आपको समझाता हूँ, मैं खुद परेशान हो गया जब मैं अभी कहीं गया हुआ था, एयरपोर्ट पहुंचा तो मुझे मालूम हुआ कि जी आप एयरपोर्ट से घर नहीं जा सकते, आप रेंजर्स की मोबाइलों के साथ घर जाएंगे, नहीं तो आपको रास्ते में ही कहीं कत्ल ना कर दिया जाए। क्योंकि आप राशन बांट रहे हो। मुझे नहीं पता इसके पीछे किसी को क्या नुकसान हो रहा है, मैं बहुत सारी चीजों को जोड़ता हूँ अक्सर बैठ के, मैं परेशान हूँ, मैं इस बात को भी इस तरह सोचता हूँ कि आया मीडिया में ऐसे कौन से माइंडसेट के लोग बैठे हैं, यहाँ से कैमरामैन वीडियो बना के जा रहा है, 50 लोगों की बना रहा है, सबकी चल रही है, जेडीसी की नहीं चल रही। एक शख्स खड़ा हुआ है बता रहा है जी ये देखें कितना बड़ा खेमों का सिटी लगा हुआ है, ये जेडीसी एनजीओ ने लगवाया है जामशोरों पे। जब वो खबर टीवी में चल रही है उसमें पूरी लाइन आ रही है लव जेडीसी, काट के सीन जोड़ दिया गया, मतलब ये मैं छोटे मोटे चैनल की बात। आपने सोराब गोट पे ट्रकों की लाइन लगाई, हर पेज पे चली, हर अखबार में चली कि कराची वालों ने जो कहीं जेडीसी का जिक्र नहीं था उसमें। मैं यही तो परेशान हूँ कि ये कौन से माइंडसेट है, ये क्या है, ये दुश्मनी किस बुनियाद पे जेडीसी से? जबान की बुनियाद पर है, शक्ल पसंद नहीं है, मजहब पसंद नहीं है, फिरका पसंद नहीं है, आदत पसंद नहीं है, कपड़े पसंद नहीं है, लेकिन ऐसी क्या कि किसी भी चैनल पे नहीं, किसी एक हाथ पे चल गई चल गई। मगर कौन सा नजरिया बेच रहे हैं आप मुझे बताएं ना? हमारा नजरिया सीधा सीधा नजरिया, इंसानियत का नजरिया, आपको अच्छा लगे आपको बुरा लगे, हम तो किसी से नहीं पूछेंगे भाई, आप पे मुसीबत आएगी हम खड़े होंगे आके, आप हम किसी से नहीं पूछते मुसीबत ज्यादा आदमी, चले छोड़े कोविड में हमसे बड़ा राशन किसने बांटा पूरे एशिया में, नाम बता दें।
डेली 30,000 बोरे 4 महीने 10 दिन तक, उसमें क्या क्या कैंपेन नहीं चलाई कि मुझे चावल और दाल का दाना हाथ पे रख के वीडियो बनानी पड़ गई कि ए चावल अपना मसलक बता, ए दाल अपना मजहब बता। लेकिन हम मीडिया चैनल देखते हैं, मीडिया चैनल ये तो दिखा रहे होते हैं कि बहुत बुरी आफत है, लेकिन मीडिया चैनल ये नहीं दिखाता कि जफर अब्बास ने या जेडीसी ने निस्तर पार्क में इतनी बड़ी राशन ड्राइव कर दी, लाखों बोरे भर दिए, ये क्यों नहीं दिखाते? क्या कोई मसला है आपके साथ? मुझे नहीं मालूम कि मीडिया की ये पॉलिसी है कि जेडीसी को नहीं दिखाना है या मीडिया में बैठे हुए लोग किसी खास माइंड सेट के हैं, लेकिन क्योंकि ये अब मैंने भी फील करना शुरू किया। मुझे पहले लोग बोलते थे कि यार अगर कहीं पर, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया दिखाता है जब, हाँ, इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा है, सोशल मीडिया दिखा रहा है, मुझे कोई गम नहीं है मीडिया का, लेकिन मैं ये चीज तो बोलने का राइट रखता हूँ ना यार कि आप जो अगर कोई शख्स 100 बोरे भेज रहा है, आप जबान मसलक देख के बगैर काम कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम, उनको मेरे जबान पसंद नहीं है, उनको मेरी शक्ल पसंद नहीं है, उनको मेरा मजहब पसंद नहीं है, उनको मेरा मसलक पसंद नहीं, लेकिन प्रॉब्लम कोई ना कोई है। कभी जिंदगी में कोई इंक्वायरी बनी, कोई जेआईटी हुई, वो गौर करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि अगर एक इदारा नश्तर पार्क को राशन से भर दे और मीडिया एक जर्रा ना दिखाए, अगर एक इदारा नश्तर पार्क जैसे ग्राउंड को ट्रकों से भर दे रेडी फूड, कितनी बड़ी नेमत थी उस वक्त कि जब सैलाब आया ट्रकों के ट्रक जा रहे हैं, सैकड़ों ट्रक रोजाना जा रहे हैं, लेकिन किसी एक चैनल पर जरा बराबर ना चले। फिर उसके बाद पीएफ बेस, ये वो जगहें परेड ग्राउंड जहाँ पर जहाज खड़े होते हैं भाई, जहाँ पर लड़ाकर तैयारे खड़े होते हैं, इधर से लेकर उधर तक 1 किलोमीटर के एरिया में पांव रखने की जगह नहीं है। 50,000 बोरे राशन एयरफोर्स, 50,000 बोरे राशन पीआईबी क्रिकेट स्टेडियम में रेंजर्स को, लाखों मच्छरदानियों के ऑर्डर, हजारों टेंट, कई कई ट्रक अद्वियात, सब जा रहा है। वो तो शुक्र है अल्लाह का कि हमारी थोड़ी मोटी आवाज सोशल मीडिया पे सुनी जाती है, तो हम लोगों को दिखा रहे हैं। मैं टीवी पे ऐड क्यों नहीं चलवाता हूँ भाई? मैं कैसे चलवा दूँ? मुझे उन्होंने पैसा जो है वो दिया है कि इसका राशन भेजना है मिस्कीन को, मैं उसका टीवी पे ऐड चलवा दूँ उन पैसों का? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बड़ी राशन ड्राइव नहीं देखी, हालात बहुत बुरे हैं। नहीं देखें, आपने अगर अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी राशन ड्राइव नहीं देखी तो उसका मतलब आफत भी इतनी बड़ी आई है ना, आफत बहुत बड़ी आई है। कोई सोच सकता था कि हमारा पूरा सूबा ही डूब जाएगा? कोई सोच सकता था कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता 4 हफ्ता 5 हफ्ता 6 हफ्ते गुजर गए, पानी हिली नहीं रहा अपनी जगह से? तो जब तक उन बेचारों के खाने पीने का कुछ इंतजाम करना है नहीं करना? मैंने बहुत सारे लोगों को बोला प्लीज ऑपरेशन ऑन करें, क्यों बंद कर रहे हैं? अभी जरूरत है, वहां लोग मुतासर हैं, क्यों नहीं समझ रहे हैं बात? हमारा मकसद सिर्फ ये, कोई भी बेचारा इस वक्त इस आफत में मुसीबत ज्यादा सैलाब ज्यादा आदमी इसलिए ना मर जाए उस तक खाना नहीं पहुंचा, इसलिए ना मर जाए कि धूप में पड़े रहे 30 दिन तक, इसलिए ना मर जाए कि हैजा हो गया दवाई नहीं थी, इसलिए ना मर जाए कि मच्छरों ने काटा मच्छरदानी नहीं थी। खुदा का फजल ये है कि पूरे पाकिस्तानी दुनिया में जहां भी हैं इतना भरोसा करते हैं जेडीसी पे, मैं जितना शुक्रिया अदा करूं कम है, चाहे वो दुबई के हों पाकिस्तानी, चाहे वो अमेरिका के हों पाकिस्तानी, चाहे लंदन के हों, चाहे कहीं के भी। अभी आज हम क्यों कराची की गली गली में मच्छर कोश स्प्रे की गाड़ियां चला रहे हैं? एक एक गाड़ी कितना कितना पैसा ले रही है आप यकीन नहीं करेंगे सुन के। वो केमिकल वो बोल रहे हैं जी एक दिन की स्प्रे, एक सुजुकी, रियासत का काम है ना यार ये। तो मैं वेट करूं कि लोग मर जाएं डेंगू से कराची के? जाएं अस्पतालों में एडमिशन लेके दिखाएं आप, हर अस्पताल फुल है, जिसमें एक एक बेड खाली होता था वहां सब फुल है, लोग सड़कों में बेडों में लेटे हुए। यार डेंगू नहीं हो गया, अजाब हो गया। और मसाइल कब हल होंगे ये सैलाब वाले? मुझे नहीं मालूम, जल्दी हल हो जाने चाहिए, किसी इंसानी अलमिया के जन्म लेने से पहले कोई आदमी मरना नहीं चाहिए मजीद। ये बहुत अफसोसनाक खबर है, कल मुझे बताया किसी ने कि जामशोरों के पास कोई जगह है थाना बुल्ला खान से आगे, वहां एक दिन में 8 लोग मर गए। मैं बड़ा अफसोस हुआ यार, एक एक गांव में अगर 8 लोग मर रहे हैं तो फिर ये फिगर क्या है असल फिगर? वहां पे अभी कोई मीडिया वीडिया कोई भी नहीं जा सकता। कहां मीडिया यार, आप शहर के बीच में बैठो, यहां मीडिया नहीं आ रहा तो मीडिया कहां आएगा यार? आप क्या बात कर रहे हैं?